बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। व्यूअर्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 के लेक्चर 1 का आगाज हम फंक्शन वैल्यूज मालूम करने से करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 बुक टू फॉलो लेक्चर इज यूजफुल फॉर बीएस बॉटनी थर्ड सेमेस्टर, BS Chemistry 3rd semester, BS Zoology 3rd semester, BS Economics 3rd semester और BS BBA 7th semester. Example, अच्छा इसको पढ़ते इस तरह है, f of x, if f of x is equal to 8x square minus 9x plus 1, find f of minus 2. क्योंकि हम जैसे मैंने भी बताया कि इसको पढ़ते हैं f ऑफ x, तो x की जगह के आगे है माइनस टू, तो ये पढ़ा जाएगा f ऑफ माइनस टू। तो क्या करना जी, फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, तो हमने मालूम करना है f ऑफ माइनस टू, यानी हम फंक्शन की वैल्यू मालूम करना सीख रहे हैं। गिवन फंक्शन जो है, जिसका को फार्मूला दिया हुआ है, उसमें x इज इक्वल टू माइनस टू चेंज करने से क्या आंसर आएगा, तो आप बड़े गौर से देखें। ये जो मैंने सर्कल किए हैं, एफ ऑफ एक्स है और वहाँ एफ ऑफ माइनस टू है, तो कहाँ चेंज आ रही है, जरा आप नोट करें। यानी आप एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं, माइनस टू, तो आंसर क्या आएगा वो ज़रा देखते हैं। सॉल्यूशन हमने पहले वो लिख दिया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, इसे को ये नंबर 1 कर दिया। अब जैसे मैंने आपको डायग्राम से समझाया हुआ ये कि x की जगह क्या करना है, माइनस टू, तो आप पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस टू इन वन, वी हैव ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1 बनाई है, जो इसमें x इज इक्वल टू माइनस टू पुट करना है। अच्छा, अभी x इज इक्वल टू माइनस टू कहाँ कहाँ आएगा, मैं जरा देखता हूँ कहाँ कहाँ आएगा x इज इक्वल टू माइनस टू। जहाँ आपको नजर आ रहा है इक्वेशन 1 में x, वहाँ माइनस टू आएगा, यानी यहाँ आपको x नजर आ रहा है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा माइनस टू, उसके बाद इक्वल, और फिर आपको x कहाँ नज़र आ रहा है, फिर आपको x यहाँ पे नज़र आ रहा है। बेसिकली ये x नहीं है बल्कि x का स्क्वायर है, तो x की जगह जैसे ही हम माइनस टू पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, ये भी आपको नज़र आ गया। समझाइए, पहली दफ़ा आपको x यहाँ नज़र आ रहा था, वहाँ पे x की जगह माइनस टू पुट किया, फिर ये x की जगह माइनस टू पुट किया, फिर माइनस नाइन, और फिर आपको नज़र आ रहा होगा कि x, तो x की जगह, सिर्फ हमने x की जगह माइनस टू पुट करना, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, 8 को नहीं छेड़ा, ऊपर x का जो स्क्वायर था उसको नहीं छेड़ा, सिर्फ x की जगह माइनस टू पुट किया, माइनस को नहीं छेड़ा, 9 को नहीं छेड़ा, x की जगह माइनस टू पुट किया। इसी तरह प्लस 1 जो है तो एज इट इज़ आ जाएगा। जहाँ तक होपफुली सबको समझ आ गई होगी कि ये क्या हमने इसमें कैसे पुट किया, इक्वेशन में x की जगह माइनस टू क्यों पुट किया, क्योंकि उसने f ऑफ माइनस टू मालूम करने के लिए कहा होगा। अब आप सबको स्टेप्स का पता होगा कि क्या बनेगा इसके बाद, 8 वैसे ही, और माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है, 4, फिर माइनस 9, माइनस 9 इन टू माइनस टू, प्लस 18 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में जब आए दो माइनस, और 9 इंटू टू 18, और प्लस 1 वैसे ही, फिर 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 32 प्लस 18 प्लस 1, अब ये 32 प्लस 18 क्या हो जाएगा, 40 और 50, और 1 ऐड करेंगे 51, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन था, मैं इसको फिर ज़रा आपको क्लियर करूं, ये दिया हुआ था फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हुई है। फंक्शन फंक्शन दिया हुआ, फार्मूला आपने एफ ऑफ माइनस टू मालूम करना था, मैंने ये वाला जो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसमें फिर मैंने एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट किया, माइनस टू पुट करके ये स्टेप्स हैं जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास क्या आया है आंसर, 51। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब इसको ज़रा मजीद समझने के लिए हम टू में क्या करना है, ये समझ आई आपको, टू एफ ऑफ जीरो मालूम करना है, पहले क्या मालूम करना था, एफ ऑफ माइनस टू, अब क्या मालूम करना है सेकंड पार्ट में, एफ ऑफ जीरो। कैसे मालूम करेंगे बता सकते हैं, हाँ जी, जहाँ जहाँ पहले एक्स की जगह माइनस टू पुट किया था, वहीं वहीं एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, जीरो, फिर देखें क्या रिजल्ट आता है। पुटिंग x इज इक्वल जीरो इन इक्वेशन नंबर 1, ये फार्मूला तो वही है ना जिसमें आपने x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया,
तो एक्स की जगह जीरो हो गया, फिर एट और एक्स की जगह जीरो माइनस नाइन, फिर एक्स की जगह जीरो प्लस वन। अब जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, एट से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, नाइन इंटू जीरो भी हो जाएगा प्लस वन वैसे ही, और इसका आंसर आ जाएगा वन। तो हमने देखा कि एक ही फंक्शन से जब हमने एक्स की जगह माइनस टू पुट किया तो एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू आई है 51। उसी फंक्शन में जब हमने एक्स की जगह जीरो पुट किया तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आई है 1। तो इस तरह हमारे पास फंक्शन वैल्यूज जो हैं दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर दो डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब जरा हम आगे चलते हैं और एफ ऑफ टी कहता नहीं मालूम करें। अब ये जरा मुश्किल लग रहा होगा आपको, पहले तो एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस टू मालूम करना था तो आपने एक्स की जगह माइनस टू पुट कर दिया, फिर एफ ऑफ जीरो मालूम करना था तो एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया, अब एफ ऑफ टी मालूम करना है तो अब क्या करें? तो कोई वही करें भाई, शाबाश, एक्स की जगह टी पुट कर दें, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू टी इन वन। जब आप एक्स इज टी पुट करेंगे तो एट टी स्क्वेयर माइनस नाइन टी प्लस वन आ जाएगा, बस यही आंसर आ जाएगा। क्या हुआ है? एक्स की जगह टी और वन वैसे ही, एट टी स्क्वेयर माइनस नाइन टी प्लस वन। ओके, फोर्थ पार्ट में कहता है एफ ऑफ माइनस एक्स मालूम करें। ये ज़रा मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है? नहीं मुश्किल कोई नहीं है। जैसे आपने एफ ऑफ टी मालूम करने के लिए एक्स की जगह टी पुट किया था, इसमें भी एफ ऑफ माइनस एक्स मालूम करने के लिए एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दें, पुटिंग एक्स इक्वल माइनस एक्स इन वन। वी हैव जी एक्स की जगह, ये जो फंक्शन था इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स, फिर इस एक्स की जगह भी आपके पास माइनस एक्स होना है। तो ये ज़रा आप कैलकुलेट करके बताएं ज़रा मुझे सारी वर्किंग। थोड़ा सा तो हिंट मैंने दे दिया, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है एफ ऑफ माइनस एक्स। तो आप ज़रा स्टेप्स करें, इसका तरीकाकार अब ये है कि आप इस लेक्चर को पॉज कर दें और कॉपी पेंसिल पकड़ के अपना आंसर खुद लिखें यहाँ पे, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके लिखें, और फिर जो आंसर आता है वो बताएं कि ये आंसर है। तो अब आपने ये अपना आंसर लिख लिया होगा, अब आप वीडियो जो है उसे कंटिन्यू करें तो फिर देखें कि आपका आंसर यही है। हाँ जी, क्या हुआ? एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स पुट किया, इस एक्स की जगह भी माइनस एक्स प्लस वन। माइनस एक्स का स्क्वेयर क्या होता है बताएंगे? जी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा वो। यार मैं ये माइनस और ये माइनस एक्स, माइनस नाइन प्लस नाइन एक्स हो जाएगा, और प्लस वन वैसे ही माइनस दो दफ़ा मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। तो इसका आंसर आ गया 8x² प्लस 9x प्लस 1। चलें क्विकली, एफ ऑफ माइनस टू का आंसर आया 51, एफ ऑफ जीरो का आया 1, एफ ऑफ टी का तो यही आना है 8t² माइनस 9t प्लस 1, और एफ ऑफ माइनस एक्स का आ गया 8x² प्लस 9x प्लस 1। इसके बाद हमने मालूम करना है फिफ्थ पार्ट एफ ऑफ एक्स माइनस 1, सिक्स पार्ट एफ ऑफ एक्स प्लस 1, और सेवन्थ पार्ट एफ ऑफ 1 ओवर एक्स। तो हम आते हैं दोबारा उसी क्वेश्चन की तरफ, और वो एफ ये पांचवें पार्ट के लिए दोबारा ये लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x² माइनस 9x प्लस 1। अब क्या करेंगे? एक्स की जगह एक्स माइनस 1 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो ये मैंने कर दिया पुट, एक्स की जगह जहाँ पे एक्स था उसकी जगह मैंने पुट कर दिया एक्स माइनस 1। अब आप मुझे करके बताएं कि जी जब इसका आंसर आएगा तो क्या आएगा। पहले तो आप पहला स्टेप तो ये करें ना, पहले स्टेप में आप यहाँ पे लिखें यहाँ क्या आएगा, उसकी सिंप्लीफिकेशन करके लिखें, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर सिंप्लीफिकेशन, जो आंसर्स आपके पास आते हैं वो आप सारे यहाँ पे लिख दें वीडियो पॉज करके। हाँ जी, अब आपने लिख लिए होंगे, अब वीडियो रिज्यूम करें और आंसर चेक करें। हाँ जी, क्या कैसे करना था? एट तो वैसे के वैसे रह गया, एक्स की जगह आ गया एक्स माइनस वन और ऊपर स्क्वेयर पड़ा रह गया, फिर माइनस नाइन और एक्स की जगह आ गया एक्स माइनस वन और प्लस वन वैसे ही। अब ये फार्मूला आता है आपको, एक्स माइनस वन का स्क्वेयर किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन। ये ए माइनस बी का स्क्वेयर खोला आपने, वो होता है ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस वन प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ए तो एक्स है और बी क्या है? वन है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये माइनस नाइन एक्स आ जाएगा, माइनस नाइन एक्स से मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस नाइन एक्स आ जाएगा, माइनस नाइन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस नाइन हो जाएगा, और ये वन वैसे ही। अगला स्टेप 8x², एट इससे मल्टीप्लाई हो गए माइनस 16x, एट वन से मल्टीप्लाई हो गए एट, माइनस नाइन एक्स प्लस नाइन प्लस वन। अब ये वाला देखते हैं क्या 8x² वैसे ही है, माइनस 16x और माइनस 9x, ये माइनस 25x हो जाएगा। ये ज़रा ध्यान से कीजिएगा, ये 16 और 9 ऐड हो जाएंगे,
चूंकि दोनों के सिंबल जो है नेगेटिव साइन है और ऐड हो जाएंगे और साइन नेगेटिव आ जाएगा। 16 प्लस 9 क्या होता है 25, और चूंकि दोनों के नेगेटिव साइन तो यह नेगेटिव साइन आ जाएगा, ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखते हैं 8 प्लस 9 और प्लस 1, 9 प्लस 1 10 और 8 18, तो दिस इज द आंसर ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 1। क्या आ गया जी, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का आंसर क्या आ गया, 8x² - 25x + 18। तो हमने एफ ऑफ माइनस 2 भी मालूम किया, एफ ऑफ 0 भी मालूम किया, एफ ऑफ टी भी मालूम किया, एफ ऑफ माइनस एक्स भी मालूम किया, और ये भी हमने एफ ऑफ एक्स माइनस 1 भी फाइंड कर लिया। अब हमने एफ ऑफ एक्स प्लस 1 करना है मालूम, तो वो तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। क्या करेंगे आप, वही काम करेंगे, एक्स की जगह एक्स प्लस 1 पुट करेंगे, यहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ भी एक्स की जगह एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ भी एक्स की जगह एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये करके आप जरा इसको सिंप्लीफाई करें और आंसर लाएं क्या आता है। फिर सेवन्थ पार्ट है एफ ऑफ 1 ओवर एक्स, तो देखते हैं कैसे करना है जी। सिक्स पार्ट, एक्स की जगह एक्स प्लस 1 पुट किया, तो वो जैसे मैंने पहले आपको कहा था स्टेप्स आप लिखिए और सिंप्लीफाई करें जी। कर लिए हैं सिंप्लीफाई, तो अब आप आंसर देखिए, 8 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वेयर, एक्स की जगह मैंने एक्स प्लस 1 पुट किया, एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर हो गया, माइनस 9 एक्स की जगह एक्स प्लस 1 प्लस 1 वैसे ही। अब इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे, पिछले पार्ट में एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर था तो आया था एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एक्स प्लस 1, अब चूंकि एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर है तो आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक्स प्लस 1, माइनस 9 एक्स माइनस 9, ये माइनस 9 एक्स आ जाएगा, माइनस 9 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 9 आएगा प्लस 1। नेक्स्ट है जी 8x स्क्वेयर, 8 2 से मल्टीप्लाई हो गया 16x, 8 प्लस 1 8, और ये माइनस 9x वैसे ही, और फिर माइनस 9 और प्लस 1। अब आप देखते हैं ये वाला माइनस 9 और 1 प्लस 8 मिलके कट जाएंगे, चूंकि 1 प्लस 8 बनेगा 9 और ये माइनस 9 के साथ कट जाएगा। 8x स्क्वेयर और 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या रह जाएगा 7x, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है वर्किंग आपकी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, तो आप x की जगह x प्लस 1 पुट करते हैं, x की जगह x प्लस 1 पुट करने से 8 1 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 9 1 ओवर x और फिर प्लस 1, इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने रिजल्ट पहले ही आया हुआ है, 8x स्क्वायर 8 ओवर x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x प्लस 1, और इसको हम कह देंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 0। यानी पुटिंग x इज इक्वल टू 1 ओवर x पुट करते हैं इक्वेशन में, x की जगह 1 ओवर x, तो वो 1 ओवर x हो गया, यहाँ भी 1 ओवर x पुट किया, 1 ओवर x का स्क्वायर था ये 1 ओवर x, 1 ओवर x का स्क्वायर हो गया, तो x 8 ओवर x स्क्वायर बन गया, ये माइनस 9 ओवर x प्लस 1, और ये आपको आपके पास आंसर आ गया f ऑफ 1 ओवर x का। होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, चूंकि ये माइनर कोर्स के तौर पर आप पढ़ते हैं, उन वो बच्चे पढ़ते हैं जिनका मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं है, तो हम कोशिश तो करते हैं कि बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझाया जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ स्टेप ना समझ आया हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछें।